उत्तराखंड के हल्द्वानी से मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ करने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अपने भतीजों पर मारपीट, वाहनों और दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीड़ित का नाम कैलाश पांडे, निवासी तल्ली हल्द्वानी बताया जा रहा है। कैलाश पांडे ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाले उनके बड़े भाई के बेटे पंकज और रोहित आए दिन उनके साथ गाली गलौच और मारपीट करते रहते हैं, और इतना ही नहीं, वह घर के बाहर खड़े वाहनों पर भी तोड़फोड़ करते हैं। पीड़ित कैलाश पांडे ने पुलिस से आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि उनके पास भतीजों की मारपीट, वाहनों और दुकान में तोड़फोड़ की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसके बाद कोतवाल हरेंद्र चौधरी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।